अम्मी, ये बाबा आजकल गैलरी में क्यों नहीं बैठते? पहले याद है रोज सुबह समंदर किनारे वॉक करते थे, फिर गैलरी में बैठ के वही उनका अखबार और चाय। बेटा अब तो ना वो समंदर का व्यू रहा है और ना ही वहाँ के रेंट के लिए बजट, अब तो बस जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तुम कोई अच्छा सा घर बनाओ तो तुम्हारे पापा जिंदगी गुजारने के बजाय जीने भी लगेंगे। बता तो सही लेके कहाँ जा रहा है? छोड़े ना, मैं कह रहा हूँ ना, बस अब इस गाड़ी में बैठे चले। लेकिन अरे अरे आप कह रहे हो ना बैठे गाड़ी में, परसों तेरी फ्लाइट है। अरे बाबा परसों की फ्लाइट का हम परसों सोचेंगे, अभी आने वाले कल का सोच रहे हैं। आप बैठे लेकिन, ना, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? बताता हूँ, आप बैठे ना गाड़ी में। कैसा लड़का है भाई, बस चलो चलो, बता नहीं रहा है। सुन ख्वाहिशों की दस्तकें, अब खोल दे बंद खिड़कियां, मन का परिंदा चाहे बस उड़ने की अब आजादियां। सोई हुई उम्मीदों को दिल में जरा फिर से जगा, रूठी है जो ये धड़कने, इन्हें प्यार से गले लगा। ये चुस्त जो तुझसे कहे, ये सफर यूं ही चलता रहे, देखे कहीं तेरे वास्ते तेरी मंजिल। बाबा यहाँ से गुजरने के बाद ऐसा लग रहा है कि खुशी और कामयाबी का अगर कोई रास्ता होता तो ऐसा ही होता। बात तो सही है तुम्हारी यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको मालूम है मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो इस शारह रेशम से एक बार गुजरा वो वापस ज़रूर आता है। तो ठीक है, एक बार तो हो गया हमारा, अब अगली बार तुम्हारी अम्मी को भी ले आएंगे। अम्मी का आना अगली बार लाजमी है बाबा। चले आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, अब चले तो आए। बाबा जब मैं ऐसे बाहर जा रहा था तब आपने मुझसे एक बात कही थी, आपने मुझसे कहा था कि समंदर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए साहिल से मिलने ज़रूर आता है। हाँ बेटा, लहरें चाहे एक पल के लिए क्यों ना सही, जब भी साहिल से मिलती है ना तो वो पल साहिल के लिए बेहद कीमती होता है। लेकिन बाबा ऐसा भी तो है कि कुछ लहरें साहिल का हिस्सा बन जाती हैं और फिर कभी वापस नहीं जाती। ऐसी ही आती जाती लहरें नजर आएंगी आपको उस बड़ी सी गैलरी से
ठीक उस गाड़ी के पीछे होगी। और बाबा, उस पर आपको कभी पर्दा डालना नहीं पड़ेगा। Eiwan, building bonds and beyond.